मुझे कुछ मिनट पहले मंच पर ही कुछ युवाओं को लैपटॉप देने का अवसर मिला। मुझे खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सूचना क्रांति योजना के माध्यम से कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी की पढ़ाई पर निरंतर बल दे रही है। तकनीक के साथ जितना ज्यादा हम लोगों को जोड़ पाएंगे, उतना ही तकनीक से होने वाले लाभ को जन जन तक पहुंचा पाएंगे। इसी विजन के साथ बीते 4 वर्षों के दौरान डिजिटल इंडिया को बढ़ावा दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार भी इस अभियान को, उसके लाभ को घर घर पहुंचाने की दिशा में जुटी हुई है। मैं पिछली बार जब बाबा साहब आंबेडकर की जन्म जयंती पर आया था तो बस्तर को इंटरनेट से कनेक्ट करने वाले प्रोजेक्ट बस्तर नेट के फेज 1 के लोकार्पण का अवसर मिला था। अब आज से यहां भारत नेट फेज 2, इस पर काम शुरू हो गया है। लगभग 2500 करोड़ के इस प्रोजेक्ट को अगले वर्ष मार्च महीने तक पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। छत्तीसगढ़ की 4000 पंचायतों तक तो इंटरनेट पहले ही पहुंच चुका है, अब बाकी 6000 तक भी अगले साल पहुंच जाएगा। साथियों, डिजिटल भारत अभियान, भारत नेट, यहां राज्य सरकार की संचार क्रांति योजना, 50 लाख से ज्यादा स्मार्टफोन का वितरण, 1200 से ज्यादा मोबाइल टावरों की स्थापना, ये सारे प्रयास गरीबों को, आदिवासियों, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, उनके सशक्तिकरण का एक नया फाउंडेशन तैयार हो रहा है, एक मजबूत नींव तैयार हो रही है। डिजिटल कनेक्टिविटी सिर्फ जगह की नहीं, सिर्फ एक जगह को दूसरी जगह से जोड़ रही है ऐसा नहीं, वह लोगों को भी कनेक्ट कर रही है।